करो, बंद करो, बंद करो, बिजली बिल कम करो, कम करो, कम करो, बिजली बिल कम करो, कम करो, कम करो, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। न्यूज इस वक्त मैं गोबरा नवापारा में मौजूद हूं और यहां जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहां पे जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि किन मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आज का धरना प्रदर्शन हमारी कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो आयोजित है प्रमुख रूप से महंगाई को लेकर के है। बिजली की जो कटौती हो रही है, बिजली की जो दर बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर प्रमुखता आज आयोजन किया गया। हमारे नवापारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी यह आयोजन आज किया गया है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं कि आज गरीबों के ऊपर बोझ न डाले, आम जनता के ऊपर बोझ न डाले। आज बिजली का हमारी जब पिछले पांच साल कांग्रेस की सरकार थी तो बिजली का रेट नहीं बढ़ाया, बल्कि और आधा भुगतान हमारी सरकार के द्वारा किया जाता था, आधा बिजली बिल भुगतान लोग करते थे, आज उसको भी समाप्त कर दिए हैं और ऊपर से बिजली का भी रेट बढ़ा दिए हैं और ऊपर से बिजली कटौती भी मनमाने हो रही है। तो इन बातों को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है। साथ ही किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है, आज बीज जो है अमानक दे रहे हैं, धान के बीज में जर्मिनेशन नहीं आ रहा है, कहीं खोजे सोसाइटी में आज डीएपी नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह से आज जो दुर्दशा है, इसी के साथ साथ हम लोगों की यह भी मांग है कि पिछले पांच साल हमारी सरकार के द्वारा गांव की फसल की सुरक्षा के लिए हम लोग गौठान की व्यवस्था किए थे, गौठान संचालित था और उससे हमारा अवैध जो फसल चराई है गांव गांव में, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, वो बंद हो गई थी। लेकिन आज फिर इस सरकार ने आने के बाद में सब हमारी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को जो बंद कर रही है, गौठान हमारे बंद हो गए हैं, फसल आज रोका छेका नहीं किया जा रहा है, अब बड़ा मुश्किल से धान का जर्मिनेशन हुआ है, वो भी जो है आवारा पशुओं के द्वारा उसको चराई की जा रही है। तो इन चीजों के लिए भी हम लोगों ने मांग रखा है, ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि तमाम सारे मुद्दों को लेकर के त्वरित कार्रवाई करे। इस क्षेत्र में तो कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, लोग बाग आज भटक रहे हैं, किसान किसके पास जाए, गरीब मजदूर किसके पास जाए, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जनप्रतिनिधि ही नहीं है। और इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार से मांग करते हैं इनका निराकरण करें, वरना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा और ज्यादा अधिक उग्र आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। यह क्षेत्र में आज इन मुरुम खदान और रेत खदान के मामला दिन दिन बढ़ते जा रही है, इसको आप लोगों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर कोई खदान स्वीकृत नहीं है, सारे खदान चाहे रेत की खदान हो चाहे मुरुम की खदान हो, सब अवैध रूप से संचालित हो रहा है। और ये जो है दुख की बात ये है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी, मीडिया के द्वारा भी बार बार इन विषय को उठाने के बाद भी, सरकार के द्वारा यह कार्रवाई नहीं की जा रही है और खुद सरकार और सरकार के नुमाइंदे जितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके ही संरक्षण पर अवैध मुरुम की खुदाई और अवैध रेत की खुदाई परिवहन धड़ल्ले के साथ पूरा चल रहा है यहाँ इस इलाके में भी। निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी नेतागण हैं, सत्ताधारी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सब इनके ही करप्शन पर ये सारे अवैध कार्य संचालित हो रहे हैं। बिजली कटौती जैसे जिस प्रकार से दिन ब दिन बढ़ रही है और इससे लगाम नहीं लग पा रहा है, तो आने वाले समय में आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? निश्चित तौर पर आज तो हम लोगों ने चेतावनी दिया है और इस पर यदि सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दी गई, जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं दी गई, तो हम लोग और भी भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ क्षेत्र के पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू जी, जिन्होंने आज जो है बिजली कटौती और बिजली में जिस प्रकार से दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, जिसको लेकर अपनी बात रखी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर जो है आंदोलन कहाँ तक रंग लाती है।